ये है मेरी एक लाइट क्लॉक जिसमें फोटोन ऊपर नीचे बाउंस कर रहा है। बिल्कुल ऐसी ही एक क्लॉक मेरे दोस्त के पास भी है, उसमें भी फोटोन ऊपर नीचे बाउंस कर रहा है। मैं अपनी क्लॉक को लेकर जा रहा हूँ तो मेरे दोस्त को मेरी घड़ी में घूमते हुए फोटोन का रास्ता कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब क्योंकि मेरे दोस्त के नजरिए से फोटोन डायगोनल पाथ पर मूव कर रहा है, यानी फोटोन ने ज्यादा बड़ा रास्ता तय किया है, तो उसने इस काम में ज्यादा समय भी लिया होगा। लेकिन अगर आप मेरे नजरिए से बात करो तो अभी भी मेरी क्लॉक में फोटोन ऊपर नीचे नाच रहा है, यानी उसने उतना ही समय लिया होगा जितना उसे लेना चाहिए। तो यहाँ कौन सही है और कौन गलत? क्या दो लोगों के लिए टाइम डिफरेंट हो सकता है? आपके एक हाँ या ना पर पूरी रिलेटिविटी की थ्योरी डिपेंड करती है। इसके आगे का राज खुलेगा नेक्स्ट वीडियो में।